नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, माननीय कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज़्यादा पोस्ट पर शिक्षकों की भर्ती होगी। कब तक होगी ये भर्ती और कौन से अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। माननीय हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यह हलफनामा दायर किया गया है कि अक्टूबर माह में 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी और ये जो शिक्षकों की भर्ती होगी ये TGT और PGT लेवल की होने वाली है। यानी कि अगर आप ने BEd कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप TGT पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, और अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि BTC और DLED वाले अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ये जो भी पोस्ट होगी वह TGT यानी कक्षा 9 और 10 के लिए होगी और PGT यानी कक्षा 11 और 12वीं के लिए होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ BEd अभ्यर्थी ही पात्र रहने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।